अंडे ये देखें जो खराब अंडे हैं मैंने सारा ढेर इधर ही लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे थे खराब। तो ये देखें माशाल्लाह, बोलू भी बेचारा, ये देखें आप देख रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसको भी हम छांव में बांध। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपका भाई भी एकदम ठीक है खैरियत से। तो दोस्तों आज का व्लॉग है जो शुरू करते हैं, तो आज हमने सबसे पहले जो काम किया है ये देखें, जो लाडो रानी हमारी इधर हम बांधते थे इन किल्लों के साथ, तो आज हमने उनको बांध दिया है अंदर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से हमने इनको अंदर बांध दिया छांव में, नहीं तो इधर इनकी घबराने लग जाती थी। ये देखें हमारा बोलू भी बेचारा, ये देखें आप देख रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसको भी हम छांव में बांध देंगे कल को। आज थोड़ी बहुत छांव है, एक दिन आधे दिन में हम इसको इंशाल्लाह जो छांव है तरपाल ऊपर कर देंगे, तो फिर छांव हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो गर्मी नहीं लगेगी। और तो इधर हमारा लाइन जो भूखा फिर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा दाना दुनका डाल देते हैं सबसे पहले। तो ये देखें लाइन को मैंने सुबह डाले थे, यानी कि ये रोटी के पीसीस, तो इनमें जो है कीड़ियाँ वगैरह आ गई हैं, ये देखें चींटियाँ फिर रही हैं इसमें, तो इसमें हम इसको डाल देते हैं बाजरा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सिर्फ बाजरा और रोटी है, क्योंकि जो हमारी गंदम है वो ख़त्म हो गई टोटली, जिसकी वजह से हम सिर्फ बाजरा और रोटी के पीसेस ही खिला रहे हैं इसको। काले काले काले, ये देखे डोले भी उठ गया, जैसे उसको भी बुलाया खाने लग गया। तो इधर मैंने बजिस को जो डाली है एक चीज़ ऐसी, ये देखे बजिस को मैंने आज खीरे डाले हैं। मैंने ना एक वीडियो देखी थी एक भाई की, जो बता रहे थे कि इनको क्या क्या डोज दी जाती है, तो उन्होंने बताया खीरे भी आप खिला सकते हो, उबले हुए चावल और उबली हुई छली भी आप इसको डालें हफ्ते में एक आधा दिन। तो ये देखे मैंने 3 खीरे आज रखे हैं फ़िलहाल, अभी रख के गया हूँ, तो ये देखें वो ऊपर बैठे हुए अभी खा नहीं रहे, तो ये देखें ये ऊपर बैठे हुए अभी खा नहीं रहे, तो ये देखें ये खीरे मैंने अभी इधर ही रखे, तो थोड़ा साइड पर चल जाते ताकि ये खा लें इंजॉय करें अपना। और इधर हमने लाडो रानी को जो धूम से बचाने के लिए अंदर ही बांध दिया फिलहाल, जब तक ये छांव नहीं होती हमारी। इधर हमारे लाइन साहब बाजरा खाया है नहीं, और इधर आ गए हैं घूमते घूमते, ये देख बाजरा वैसे छोड़ दिया। तो देखें दोस्तों चुन्नू मुन्नू जुगनू आ गए हैं, लेकिन जो चुन्नू मुन्नू जुगनू का न्यू फ्रेंड है वो अदर, वो अभी अंदर ही है, वो डर रहा है बाहर नहीं आ रहा। आ जा, ये देखें दोस्तों अहमद न्यू लेकर आया था चूज़ा कल शाम को अपने लिए, इसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया क्या रखें, उनका नाम तो रख दिया चुन्नू मुन्नू जुगनू, इसका अभी हमने कुछ भी नहीं रखा, ये बीमार सा है जैसे बीमार इस, ये देखें ये ढीला है, इसको बीमार है बेचारा, ये भी लगता है जाएगा इस दुनिया फानी से। तो ये देखें बाकी माशाल्लाह हमारा जुगनू चुन्नू मुन्नू दोनों तीनों हेल्थी हैं, वो दूसरा अंदर चला गया हमारा मुन्नू दोबारा से आया बाहर, और ये जो अहमद कल लेकर आया ये बीमार है ढीला है, अल्लाह करे इसको सेहत तंदुरुस्ती आ जाए। इसको हम टैबलेट दिए मैंने थोड़ी सी, यानी कि पानी में भिगो के डाल के ये अच्छा हो जाए ताकि। तो दोस्तों आपका भाई जो ऊपर आ गया काफ़ी दिनों के बाद ऊपर आया, तो चलिए हम चलकर बच्चों की जो कंडीशन है, जो बच्चे निकले हैं उनको चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं, तो हमारा जो ब्लैकी है ये देखे खड़ा हुआ, ये कल का बेचारा ना सुस्त सुस्त था, मैं वैसे ही आया था, मैंने इनकी जो काफ़ी दिनों से कंडीशन जो चेक नहीं की, ये देखें इसकी आंखों के इर्द गिर्द जैसे पता नहीं कुछ इसको बुखार था, जिसकी वजह से काफ़ी सुस्त है, नहीं तो ये देखे आ किसी को बैठने नहीं देता, इसकी आँखें जो देखें ये बीमार हो गया था 2-3 दिन से, तो अब माशाल्लाह से ठीक है काफ़ी बेहतर है। और इधर इसने जो बच्चे निकाले ये भी माशाल्लाह से अब एक्टिव है और हेल्थी हैं, और इधर बाकी के जो हमारे जो ये पिजन बैठा था इसके बच्चे भी देख लेते हैं माशाल्लाह। ये देखें तो ये देखें मैं एक हफ्ता तकरीबन हो गया ऊपर नहीं आ रहा था माशाल्लाह से, ये देखें बच्चे जो काफ़ी अच्छे और हेल्थी हैं। और इधर हमारा जो एक पिजन है इसको गुस्सा आ रहा है, ये देखें मारने को आ रहा है, इसके मैंने ना 2-3 दिन हो गए हैं, ये देखें पंख है ना जो रंग कर दिया था, ये मैंने इसके जो रंग कर दिया था, मैं कहीं रंग करके देखते कैसा लगता, तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये देखें हमारा ब्लैकी है, इसके लिए दुआ करें बेचारे के लिए। और ये जो बच्चा निकला था हमारा इसके, ये देखें पता नहीं ज़ख्म कैसे बन गए, इसको हमने जो मेडिसिन वगैरह है ये देखें दी है इसके, ये देखें आँख के पास पता नहीं क्या बन गया, ये देखें दो बने हुए हैं जैसे कोई छाले नुमा, इसको हमने जो टैबलेट थी लाया था मैं दे दी। और इधर ये देखें माशाल्लाह इस कबूतरी ने जो ये खड़ी हुई इसने अंडा दे दिया, तो माशाल्लाह से ये देखें
अंडे दे दिए माशाल्लाह से, आप देखें ठीक है। इसने जो इसके नाक के पास बनी है, जिसकी वजह से तकरीबन दूसरे जो हमारे पिजन्स हैं उनको भी ख़तरा है, तो इस वजह से मैंने इनको एंटीबायोटिक दे दी थी ताकि दूसरे जो हमारे पिजन वो ठीक रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, तवाना रहें। तो माशाल्लाह से ये देखें इस पिजन वाले ने भी अंडे दिए हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है। और इधर जो हमारा खाली बॉक्स रहता था, ये देखो कैसे गुस्सा कर रहा है। तो माशाल्लाह से ये देखे काफ़ी अच्छा और खूबसूरत कबूतर है इसने। माशाल्लाह ये देखे पिजन ने अंडे दिए हुए हैं, माशाल्लाह बैठा हुआ है, तो इसको हम बैठा रहने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। और इधर हमारा जो जोड़ा है ये बैठा हुआ है, तो इसको हम तकरीबन एक हफ्ता पहले ना दूसरे यानी कि अपने जो दोस्त है उसको दिया था, तो हम ना परसों लेकर आए इन दोनों जोड़े को। तो ये माशाल्लाह से बैठे हैं, और ये हमारा कबूतर हमेशा की तरह मुझसे डर कर उधर ही खड़ा होता है, तो ये उधर ही खड़ा हो गया। और बाकी ये देखें ये भी बैठा हुआ है कबूतर, बच्चा निकला हुआ था इसका, माशाल्लाह से ये देखें ये नहीं आने देता, गुस्से में आ जाता है। तो इधर जो हमारे बच्चे निकले थे माशाल्लाह से, ये देखें ये ब्लैकी का क्रॉस हुआ था, तो जिसकी वजह से इसके पंख है जो ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, ये वाइट ही है, ये इसके माशाल्लाह से पंख देखें ब्लैक है, ब्लैकी के क्रॉस की वजह से। तो इधर माशाल्लाह से हम देखते हैं अंडे, ये देखें जो ख़राब अंडे हैं मैंने सारा ढेर इधर ही लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे थे ख़राब। तो ये देखें माशाल्लाह से इस पिजन ने भी एक अंडा निकाला है, एक एक आधे दिन में दे देंगे, ये देखें इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये दूसरा अंडा भी दे देगी। तो माशाल्लाह रात इसने एक अंडा दिया है, तो आज दूसरा भी दे देगी। तो इधर जो हमारे छोटे बेबीज़ थे ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, इनके पंख वगैरह भी निकल आए, तो अब इंशाल्लाह हम इसको नीचे छोड़ देते होते हैं, ये फिर भी ऊपर ही आ जाते हैं उड़कर, क्योंकि ये उड़ना सीखी है ना माशाल्लाह से, पंख आ गए तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं उड़कर। और इधर हमारा एक पेयर ये खड़ा हुआ है, इसको हम इधर ही बैठे रहने देते हैं, बाकी के पिजन्स हमारे बाहर घूम रहे हैं, टहल कर रहे हैं। और इधर जो बच्चे निकले थे माशाल्लाह से, ये देखें जिसको मैंने रंग किया है, वो इनकी मम्मा थी, इनके पास आगे खड़ी हो गई है कि मेरे बच्चों को कुछ कहे, मैं नहीं कहते, हम तो जस्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से एक वो कोने में लग के आई, ये कोने में डर के मुझसे, ये देखें कभी उधर को जाती है, इधर को मेरे बच्चों को कुछ कहे ना दे। तो ये देखें उधर से डर कर इधर आके बैठ गए, इसने दीवार के साथ ही हमेशा लगना है, इधर आ जाता है कभी उधर चला जाता है, तो ये दीवार के साथ ही लग गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।